नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। हमारे साथ तनवीर हैं। हम लोग एक बार फिर से आज हाजिर हैं आपके सामने अखबारों की टॉप सुर्खियों के साथ। तो अगर हम लोग कई अखबारों को देखें, जैसे हिंदुस्तान हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, तो सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर जो लीडिंग स्टोरी है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल मौजूद थे झारखंड में। उनके साथ प्रशांत किशोर, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, नंबर टू की हैसियत है जदयू में उनकी, वो भी मौजूद थे। और इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है कि आखिरकार झारखंड में ज़मीन कैसे मजबूत की जाए। क्यों तनवीर? सही बात है, कल से ही जो चीज़ें सामने आ रही थी कि किस तरीके से एक कॉम्पिटिटिव उन्होंने चैलेंज है जदयू के लिए कि किस तरीके से अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि एनडीए में अलग राज्य में बात करें तो बीजेपी और जदयू एक साथ है। सिर्फ झारखंड ही ऐसा जगह है जहां पर जदयू और बीजेपी दोनों अलग हो जाते हैं और दोनों को अपनी मजबूती दिखानी पड़ती है। और नीतीश कुमार ने तो कल ऐलान भी कर दिया है वहाँ के लोगों से कि शराबबंदी जैसे कानून को हम अपनाएंगे ताकि राज्य जो है ज्यादा स्वस्थ हो सके। मतलब कि अगर झारखंड में जदयू की सरकार आती है तो शराबबंदी लाएंगे। और जाति की भी बात कर रहे थे, आरक्षण की भी बात उन्होंने कर दी है झारखंड में। उन्होंने आरक्षण की बात करते हुए शराबबंदी का भी जिक्र किया और कहा कि अगर झारखंड में हम आते हैं तो फिर झारखंड में भी शराबबंदी लागू की जाए, इस तरह की मशवरा देते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही साथ जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे उनको भी मंत्र बताया कि आखिरकार झारखंड में किस तरह से जीत हासिल करनी है। तनवीर, अगली खबर देखिए, इसी खबर को लेकर के बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार बार बार जा करके लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोश देते रहे, नहीं तो झारखंड में फिर से उनका कुछ। ये अलग सी बात है कि पटना में पोस्टर बदल दिया गया है। जी, पोस्टर में साफ साफ तौर पर लिख दिया गया है कि क्यों कर विचार जब है ही नीतीश कुमार। पहले था क्या, कंफ्यूज हो गई पटना में भी पार्टी। अब अलग सी बात है कि अब क्या करेंगे कि विपक्षी हमला बोलेंगे ही कि पोस्टर बदल दिया गया, जब ठीक ही है वाला, ठीक ही था। आज काफी बवाल मचने वाला है। अगली खबर ये है कि 7 दिन से लगातार चेकिंग अभियान जो चल रहा था उसमें अब देखिए न्यायिक अधिकारी की भी कार का चालान कट गया और 35,000 रुपये जुर्माना लगा है। तो आम आदमी के साथ साथ जो अधिकारी भी हैं अगर वो भी नियम तोड़ते हैं तो उनका भी चालान कट रहा है। तो ऐसा जो लोग कहते हैं कि सिर्फ आम आदमी को ही तंग किया जाता है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है कि 35,000 रुपये का जुर्माना भी भरे हैं न्यायिक अधिकारी जिनका चालान कटा है। हम बात कर ले यहाँ पे बक्सर की, तो बक्सर से भी एक घटना सामने आई है। बक्सर में हुआ कुछ तनवीर ऐसा कि एक युवक था, वो ट्रैफिक चेकिंग में पकड़ा गया, लेकिन जब दरोगा साहब से खुद पूछ दिया उसने कि आपका हेलमेट कहाँ है, तो दरोगा साहब उनको दम कर धूम दिए, खूब पीटे हैं, खूब वायरल भी हो रही थी। हाँ, बिल्कुल फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही थी। तनवीर, दूसरी खबर यह है कि 11 ट्रेनों की जनरल बोगी में अब आवंटित होगी सीटें, यानी जो जनरल बोगी है उसमें सीटों का आवंटन होगा और इसकी शुरुआत जो है पटना से दिल्ली आने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो है उससे शुरुआत की जाएगी और इसे अगले ही हफ्ते किया जाना है कि संपूर्ण क्रांति का जो जनरल बोगी है उसमें सीट जो है वो अब हो जाएंगे आवंटित किए जाएंगे, यानी कि जितने हो सकता है कि जो पैसेंजर हो उसी के हिसाब से ही लोगों को बैठाया जाए। तो ये काफी अच्छी खबर है कि आवंटित हो जाएगी जो यात्री हैं उनके लिए सीट। टीचर्स के लिए एक खबर है, कल से ही खबर है ये, लेकिन लीडिंग स्टोरी है इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एसटीईटी का जो परीक्षा है वो 7 नवंबर से होना है और ये छात्रों से जुड़ी बहुत जरूरी खबर थी। दूसरी खबर की अगर हम तनवीर बात कर लें तो पटना जू की हम बात कर ले, आप बताइए पटना जू में क्या होने वाला। पटना जू में होने वाला ये है कि पंजाब का शेर असम का बाघ पटना जू में दहाड़ेगा, यानी कि पटना वासियों के लिए अब पटना जू में असम का शेर, पंजाब का शेर और असम का बाघ अच्छा। आने वाला है जो खूबसूरती बढ़ाएगा और जो दर्शक जो वहाँ पहुँचते हैं वो भी देखने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं कि शेर और बाघ को देखना काफ़ी लोगों को पसंद है। तो अब पंजाब और असम के शेर और बाघ पटना के जू में आने वाले, और इन दिनों काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है कि दूसरे जानवर जो है अलग अलग स्टेट से लाए जा रहे हैं पटना जू में, जो काफ़ी आकर्षण केंद्र है। और पटना जू में खासकर बात करें तो भीड़ भी काफी ज्यादा। बिल्कुल, हमने कल एक स्टोरी भी की थी इस पे कि पटना जू में जो टॉय ट्रेन है वो कब पटरी पे वापस आएगी, लोग काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं पटना जू के टॉय ट्रेन से। और अब सबसे बड़ी खबर ये है कि पंजाब का शेर और असम का बाघ पटना जू में आपको देखने को मिला। जी तनवीर, अगली खबर देखिए, काम की खबरें हैं ये स्टूडेंट्स के लिए कि वाणिज्य महाविद्यालय में दाखिला आज तक है, यानी कि वाणिज्य महाविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस के तहत बीकॉम कोर्स के दाखिले का आवेदन रविवार तक कर सकते हैं, यानी कि रविवार आज है और आज तक जो लोग जो छात्र जो हैं वाणिज्य महाविद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं बीकॉम कोर्स में
तो आखिरी दिन है, वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगली खबर की अगर हम बात कर लें तो स्कूल अपनी बस खुद रखेंगे और कैंपस में ही उनकी पार्किंग करेंगे। मतलब कि साफ है कि सड़कों पर जो स्कूल बसें लगी रहती थीं, जिसके वजह से ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा परिचालन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, तो ट्रैफिक परिचालन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि स्कूल अपनी बसें खुद रखेंगे और कैंपस में ही उसको पार्क करेंगे। और ये पटना की बात हम कर रहे हैं तो पटना में सभी स्कूल बसों के परिचालन के लिए नई पॉलिसी जल्द आएगी। बस संचालकों की जिम्मेदारी जो है वो पहले से काफ़ी बढ़ जाएगी। जितनी इसके साथ साथ ये भी है कि अगर बस कैंपस के अंदर रहेगी तो सुरक्षित भी रहेंगे बच्चे, क्योंकि आप बात करें पटना के स्कूल की तो संजेवियर स्कूल है, पटना गांधीनगर बसें जो हैं सड़क पर लगती हैं, BD पब्लिक स्कूल की बात करें सड़क पर बस लगती हैं, तो उस समय जब बच्चे की छुट्टी होती है और वो बस की तरफ जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता बच्चों को, छोटे बच्चे रहते हैं वो बस की तरफ भागते हैं तो दुर्घटना हो सकती है। इसे अगर अच्छे से फॉलो किया जाए तो सचमुच ये अच्छी बात है कि स्कूल के प्रशासन जो है अब जग गए हैं और बच्चे अब सुरक्षित भी रहेंगे इस बात से। अगली खबर आपको बताते हैं कि पुनपुन में आज 3 घंटे बिजली कटी रहेगी, यानी कि मेंटेनेंस को जो मेंटेनेंस का काम है वो चलेगा पुनपुन में और 3 घंटे जो है आज बिजली नहीं रहेगी, यानी सुबह 11 बजे से 2 बजे तक बिजली नहीं रहेगी पुनपुन में। अगली खबर साहब क्या है? देखिए अगली खबर ये है कि हिंदुस्तान अखबार के 4 नंबर पेज के कोने में छोटी सी खबर है, लेकिन वो खबर बिहार के लिए बहुत बड़ी है क्योंकि अस्तित्व का सवाल है। कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल आज पटना आ रहे हैं, पटना में वो मीटिंग करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। भले ही ये खबर छोटी सी दी गई है, लेकिन ये खबर कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व से जूझ रही कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में इन दिनों देखने को मिल रहा था कि लगातार इस्तीफे का दौर चला, उसके बाद काफ़ी मान मनोबल हुआ और आखिरकार सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया पार्टी का। अब जो है कि बिहार में किस तरह से 2020 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के काफ़ी तैयारियां सभी तरफ से की जा रही है। महागठबंधन में कांग्रेस एक अहम सहयोगी दल है और कांग्रेस के साथ साथ जिस तरह से उस पर दबाव बनता है दूसरे पार्टियों का, हम बात कर रहे हैं किसकी आप समझ रहे होंगे, राजद की बात कर रहे हैं हम। राजद मुख्य विपक्षी दल है बिहार में, पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा उसने ये सीटें हासिल की थी, और उसके बाद अब जो है कि कांग्रेस जो कि खुद अपने अस्तित्व के खतरे से जूझ रही है वो अपनी ज़मीन मजबूत करने की कोशिश में लगी है। शक्ति सिंह गोहिल पिछले चुनाव में भी लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे थे। शक्ति सिंह गोहिल की बात कर ले, कौकब कादरी की बात कर ले, उसके साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा उनकी बात कर ले हम, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक्टिव मोड में हो सकता है कि कांग्रेस बिहार में दिखाई दे विधानसभा चुनाव से पहले। जी अगली खबर ये है कि मॉपअप राउंड के लिए 9 तक रजिस्ट्रेशन, यानी कि डेंटल कॉलेजों में जो रिक्त सीटें हैं उनके नामांकन के लिए द्वितीय मॉपअप राउंड के लिए 6 सितंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए 9 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, BCI के वेबसाइट पर जाकर छात्र रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसको मेधा सूची 10 सितंबर तक जारी किया जाएगा। काउंसलिंग 12 सितंबर को ऑफलाइन होगी, इस बार कट ऑफ गिराकर सामान्य से के लिए 40% और अन्य कैटेगरी के लिए 30% कर दिया गया है। तो और अगली खबर आपको बता दें कि अगली खबर ये है कि आज भी DTO जो है वो खुला रहेगा। क्यों खुला रहेगा, काफ़ी सोचने वाली बात है कि लोग सोचें संडे के दिन अक्सर लोगों को लगता है कि DTO जो है वो बंद होता है। वजह है कि भारी मात्रा में लोग वहां पहुंच रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की के लिए, यही कारण है कि आज भी DTO खुला रहेगा, क्योंकि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट जो आया उसके बाद से बढ़ोतरी हो गई उन लोगों में जिन लोगों ने लाइसेंस नहीं बनवाया था, और साथ में 5 काउंटर भी अब वहाँ पर खोल दिए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो आज आप जा करके DTO में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आज भी DTO खुला है। बिल्कुल, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट की आपने बात की, DTO आज खुला है, तो एक ज़रूरी खबर हम भी आपको दे दें कि घर बैठे अपने मनचाहा नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है, इसकी सुविधा जल्द से जल्द शुरू की जाएगी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। आपको आपको जो मतलब कभी कभी नहीं होता है कि हमें मेरे हिसाब से नंबर चाहिए 00001 या फिर 786, तो इस तरह के नंबर के लिए आप घर बैठे ही जो है मनचाहा नंबर पा सकते हैं। इसके लिए एक जिले में पसंद के नंबर नहीं तो दूसरे जिले में करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अगली खबर साहब ये है कि PMCH में कैंसर मरीजों की सिकाई कल से होने लगेगी। आपको बता दें कि इससे पहले हमारे रिपोर्टर ने भी खबर की थी कि कैंसर विभाग का जो हाल है वो
खराब हो चुका है, काफी बदहाल है। उसके बाद से जी आज के पेपर में यही बात निकल के आई है कि पीएमसीएच में जो चीज़ें कैंसर मरीजों को चाहिए थी वो अब चालू हो जाएगी कल से, और जो कैंसर के मरीज हैं वो अब वहाँ जा करके अपना इलाज करवा सकते हैं। जी एक खबर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पटना में पूर्व वार्ड पार्षद की जो हत्या हुई थी उसमें पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। तो हमने सियासत की बात की, रोजमर्रा की खबरों की बात की, उसके बाद काम की खबरों की बात की, अब बात कर लेते हैं। अब एक मिनट साहब, एक बड़ी खबर ये भी हम आपको बता दें कि राम जेठमलानी जो है उनका निधन हो चुका है, ये बड़ी खबर है। अच्छा अच्छा, इसके बाद अब आप क्राइम के ऊपर आ जाइए। तमाम नेताओं जो है वो शोक जता रहे हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद थे राम जेठमलानी, काफी सीनियर वकील थे। आगे खबर साहब, आप क्राइम में राम जेठमलानी का निधन हो चुका है और इससे लेकर के कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में भी शोक की लहर है। और जो उनका प्रोफेशन था कि वो सीनियर वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, तो कहीं ना कहीं इससे वकालत जगत में भी शोक है। अब क्राइम की अगर बात कर लें तो पटना में जो पूर्व वार्ड पार्षद की हत्या हुई थी उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। उनके भतीजे ने ही 4.5 लाख की सुपारी दी थी और उसके बाद हत्या करवाई थी। जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने कबूल किया है कि मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते थे। इसके साथ ही साथ एक और खबर है कि कार से 40 लाख रुपये का कफ सिर्फ बरामद किया गया है, पुलिस ने बरामद किया है छापेमारी के दौरान। बख्तियारपुर में बच्चा चोर समझकर महिला को ज़बरदस्त तरीके से उसकी पिटाई की गई, अफवाह फैली थी और उसके बाद ये घिनौनी हरकत सामने आई है। जबकि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आकर के बार बार ये कहते हैं कि मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर के अफवाह से बचा जाए और इस तरह की बात नहीं की जाए। तो आपको बता दें कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं थम नहीं रही है। पटना में एक मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा का रेप भी हो गया और उस रेप की वारदात को जो अंजाम दिया है उसी के फ्लैट में रह रहे नीचे वाले फ्लोर पर एक अन्य छात्र ने दिया है, जो कि खुद ही मेडिकल की तैयारी कर रहा था वहां पर, और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो तनवीर, अखबार आज के दौर में काफ़ी ज़रूरी है लेकिन हमसे वो छूट जाता है क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हम हर रोज़ इसी तरह से आपको अखबारों की सुर्खियों से अवगत कराते रहेंगे कि अखबारों में क्या कुछ चल रहा है। हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।